हाय प्यारे दोस्तों, एबीसीसी यानी बड़ी कैन कुक लेकर आया है मिनी उत्पम की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बोल में एक कप सूजी लीजिए और 2 से 3 चम्मच फाइन फ्लोर के मिलाइए मैदा के, और उसके बाद इसमें 2 चम्मच ताज़े दही के ऐड कीजिए। दही बिल्कुल ताज़ी होना चाहिए, खट्टा दही नहीं लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद हम इसका एक घोल बनाएंगे और उसे लगभग 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि बैटर थोड़ा सा ढीला हो जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे। दूसरी तरफ प्री हीटेड तवे पर थोड़ी सी ऑयल की ड्रॉप्स डालकर प्याज का एक टुकड़ा रगड़ दीजिए, जिससे वो थोड़ा सा चिकना हो जाए और इससे बहुत ही अच्छे उत्पम बनते हैं। अब आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। आप एक साथ 2 या 3 उत्पम आराम से बना सकते हैं। 1 या 2 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें और इसके बाद आप इसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार कटी हुई सब्जियां, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर और बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसके ऊपर डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया, इस मौसम में बहुत ही ताज़ा और हरा धनिया बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप उसे भी बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए उत्पम कितने खूबसूरत और कितने सुंदर लग रहे हैं। हल्का सा ऑयल स्प्रेड करने के बाद आप हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे तो सब्जियां इसके साथ अच्छे तरह से मिल जाएंगी। और फिर इसके बाद हल्के हाथों से उत्पम को पलट दीजिए और इसे हल्के फ्लेम पर आराम से सिकने दीजिए। 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपके इंस्टेंट मिनी उत्पम तैयार हो जाएंगे। इसे हल्के हाथ से आप दबाते रहिए ताकि सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएं और उसके ऊपर स्टिक हो जाएं। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही कम समय में बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। टी टाइम स्नैक है, आराम से बन जाता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसे आप हरी धनिया की चटनी, सॉस या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ परोसिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लिंक को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए एबीसीसी यानी बड़ी कैन कुक के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।